सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू जारी, सहम गया है झारखंड। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हिंदपीढ़ी में कोरोना संदिग्धों की ली जानकारी। लगभग 80 कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। हेमंत सरकार पूरी तरह सजग और सतर्क। रांची पुलिस की पैनी नजर राजधानी की चौक चौराहों पर। रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में आपात बैठक। हिंदपीढ़ी क्षेत्र में गुरुवार को जांच के लिए 100 टीमें होंगी रवाना। सभी टीमें हिंदपीढ़ी के बाहरी क्षेत्र में करेंगी कांटेक्ट ट्रेसिंग। पूरे क्षेत्र में सभी व्यक्तियों में कोरोना लक्षण की होगी जांच। मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में मलेशिया से आई 22 वर्षीय युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विदेशों से आए लोगों के साथ 22 लोगों को रांची जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद से अपने संरक्षण में लेकर आइसोलेशन में रखा है। वहीं इस युवती के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। इस सूचना से पूरे सरकारी तंत्र में खलबली मच गई। झारखंड जो कोरोना की जद में आने से बचा हुआ था, अचानक इस केस के सामने आते ही राजधानी सहित पूरे झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया। हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चारों तरफ से हिंदपीढ़ी जाने वाले मार्ग को बंद कर पुलिस की सख्त पहरा लगा दी गई है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार को हिंदपीढ़ी जाकर उन लोगों को चिन्हित की जो मलेशियाई महिला के संपर्क में आए थे। चूंकि ये महिला समेत अन्य विदेशी धर्म प्रचार या कहे कि जमात में शामिल होने आए थे, उस दौरान जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में रहे हैं उनके बीच भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। इसलिए एहतियातन झारखंड सरकार के निर्देश पर रांची जिला पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों की पहचान कर आइसोलेशन के लिए भेज रही है। पूरे विश्व व देश के साथ झारखंड राज्य के लिए भी चिंता का विषय है। अब भी लोग सचेत हो जाएं, केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार झारखंड वासियों से अपील कर रहे हैं, घरों में रहें, लॉकडाउन का अनुशासित हो पालन करें। बेवजह घरों से न निकले, जरा सी चूक जरा सी लापरवाही किसी संकट की वजह बन सकती है। दिनों दिन कोरोना संक्रमण अपनी भयंकर रूप दिखा रही है। पूरी दुनिया इस खतरे के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। जरा सोचिए इस खतरनाक संक्रमण के बारे में, आज से पहले जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ वह सब क्यों हो रहा है? क्या कोरोना के इस युद्ध में शिकस्त दे पाएंगे? क्यों सड़कों पर सन्नाटा पसरा है? वाहनों के काफिले अचानक से गायब। भारतीय रेल के चक्के थम गए। हवाई जहाजों की उड़ानें रद्द हो गई। हमारा देश किस संकट की दौर से गुजर रहा है? हमें अपने देश के लिए एक राष्ट्रभक्त की भूमिका निभानी होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घरों में रहना जरूरी है। सामाजिक दूरियों बनाए रखना ही कोरोना की कड़ी को तोड़ने में कारगर उपाय होगी। किसी भी बात से घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। निश्चित ही कोरोना हारेगा, क्योंकि हम सब भारतीयों में जज्बा है। गांव से शहर तक, जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के खातिर, राष्ट्र के खातिर एकजुट हो इस संकट से लड़ने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण। ट्राइबल से जुड़े सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप।